One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. नहीं 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 वो नहीं मिल पाया, वो निकल चुकी है। मैं सेक्टर एक की पहुंच रहा हूँ, एक साइड की टोकी है कारों की, पता हूँ यहाँ पे ये सुबह जब लोग आए तो देखा कि यहाँ पे ये एक लड़की पड़ी थी नंगी हालत में, तो उन्होंने प्रधान को और पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो लड़की को ले गए, और लड़की ही के रहने वाली थी ये भाटी के स्कूल के सामने, गांधी पब्लिक स्कूल के सामने की। अभी पुलिस जांच कर रही है, पता चला है। लड़की कहाँ की थी? लड़की तो यही कॉलोनी के रहने वाली थी, चोटपुर कॉलोनी में भाटी की। हाँ, जॉब करती थी वो, जॉब करती थी, सुबह ड्यूटी गई थी वो, शाम को घर नहीं पहुँच पाई। हाँ, ढूंढ रहे थे परिवार, ढूंढ रहे थे फैमिली वाले। सुबह कुछ लोगों ने देखा और इन्फॉर्म किया पुलिस वालों को और ये प्रधान को। हाँ जी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई? पुलिस कार्रवाई कर रही है। बच्ची की हमारे अंकल लगते हैं, भतीजी है। हाँ, कॉलोनी में रहते हैं हम भी, गांव के रहने वाले हैं। लड़की को बचपन से देखा है। क्या दिखा, क्या पता चला आज सुबह? क्या देखा, पता चला क्या कहते हैं? वो प्रेम सिंह जी कह रहे थे लड़की ड्यूटी से नहीं आई, हम सब लोग मिलकर कंपनी गए, जाके पूछा कि लड़की कंपनी से क्यों नहीं छुट्टी हो गई। कंपनी वालों ने बताया लड़की छुट्टी लेकर चली गई जी, घर लड़की नहीं पहुंची। हमने दाएं बाएं सब लोगों ने मिलकर ढूंढा, लड़की नहीं मिली। तो थकार के रात को लेट गए, सुबह देखा तो पड़ोसी ने सूचना दी कि लड़की की लाश पड़ी है आत्मघन अवस्था में। सब लोग कॉलोनी के लोग मौके पहुंचे, हम भी पहुंचे, गांव के प्रधान जी भी आए। वास्तव में देखा लड़की की हालत बहुत, मैं समझा तीन चार दिन की हालत थी, लड़की आत्मघन अवस्था में थी, खरचों के निशान थे, गले में चुन्नी लपेटी हुई थी। ऐसा है, लोगों ने दरिद्रों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। क्या ऐसा एक का काम तो हो नहीं सकता है, एक आदमी एक लड़की के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। एक कुछ लोगों को मिलकर काम होगा जो वैसे दरिंदे होते हैं, बाकी पुलिस काम करेगी। क्या उम्र थी लड़की की और कहां? 20 साल लड़की की उम्र है और लड़की कंपनी का एक्सपोर्ट कंपनी लड़की काम करती थी।